हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सपना दुबे आज आपको एकदम इंस्टेंट और एकदम टेस्टी वाला डिनर रेसिपी बताने जा रही हूँ। वो है कॉर्न राइस और पिज्जा सॉस की ग्रेवी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जी हाँ, पिज्जा सॉस ग्रेवी ये राइस के साथ बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। एकदम सिंपल तरीके से मैंने बनाया है और बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एकदम यूनिक से डिनर रेसिपी बता रही हूँ। ये है एकदम टेस्टी वाला कॉर्न राइस और पिज्जा सॉस ग्रेवी। तो चलिए एकदम सिंपल तरीके से बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम डालेंगे तेल, एक बड़ा चम्मच तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। तेल लिया है कढ़ाई में, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं डालूंगी थोड़ी सी ग्रीन चिली, थोड़े से हम डालेंगे कॉर्न, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे कुछ देसी से मसाले, थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं या तो मिक्स हफ्ती आपके पास से तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे काली मिर्च, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जैन सारे चीज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे नमक, हल्का सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसे भी हम अच्छे से बना मिक्स कर लेंगे। एकदम यूनिक सा रेसिपी बता रही हूँ, जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अमेजिंग लगता है खाने में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अब मैं डालूंगी ये राइस, ये मैंने बॉइल करके ले लिया। आप बच्चों में चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारी चीज मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं और थोड़ा सा डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब मैं आप ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखा है, कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो जाए। अब मैं डालूंगी इसमें एक बड़ा चम्मच तेल, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं डालूंगी कुछ हरी मिर्च, और ये हरी वाली शिमला मिर्च है, पीला शिमला मिर्च, बेल पेपर भी कहा जाता है, और ये रेड वाला जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। और इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, एकदम मीडियम ही पकाना है। थोड़ा सा हम डालेंगे फाइनली बारीक कटा हुआ प्याज, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अमेजिंग लगता है ये कॉर्न राइस के साथ खाने में ये वाली ग्रेवी। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, और कमेंट कर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हम डालेंगे थोड़ा सा पिज्जा सॉस, एक बड़ा चम्मच मेयो, थोड़ा सा डालेंगे रेड चिली, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें दूध ग्रेवी को बैलेंस करने के लिए। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा मैंने डाला इसमें ऑरिगेनो, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी ग्रेवी बनकर रेडी है, और इसे एकदम गर्मा गर्म राइस के साथ सर्व करिए, बहुत ही अमेजिंग लगता है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया हल्का सा डालेंगे। देखिए हमारा सॉस बनकर रेडी हो गया है, ये पिज्ज़ा सॉस, पिज्ज़ा ग्रेवी सॉस हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसे सर्व कर दिखाती हूँ। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। देखिए
इतना टेस्टी सा कॉर्न राइस और ये पिज़्ज़ा ग्रेवी हमारी बनकर तैयार है। ऐसे मैंने सर्व किया है, बहुत ही अमेजिंग लगता है। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में। थैंक यू।